ऐसी अलग अलग घटनाएं सामने आती हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो अपने पास जो किडनैपिंग की जो धाराएं हैं या फिर व्यापहरण की हम बात करें तो 359 से लेकर ये 374 के बीच में आपको सब मिल जाएगा, जिसमें प्रोविजंस और पनिशमेंट्स के प्रावधान हैं। अब बात ये आती है कि 365 जो अक्सर आप देखते हो लोगों पे लगती है, 365 क्या कहता है दोस्तों? हालांकि देखा जाए तो लेमैन के लिए किडनैपिंग या एबडक्शन दोनों एक जैसे वर्ड हैं। हम बात करें किसी को किडनैप कर लिया, या हम बात करें किसी को अगवा कर लिया, या हम कुछ ऐसे भी बोल सकते हैं किसी का व्यपहरण कर लिया। इनमें मतलब क्या है? किडनैपिंग किसी भी साधारण आदमी के लिए जिसको कानूनी टर्म्स नहीं पता, लीगल टर्म्स नहीं पता, उसके लिए अपहरण का मतलब किडनैपिंग होता है। बट किडनैपिंग में और एबडक्शन में बहुत ज्यादा अंतर है, जमीन आसमान का फर्क है। बहुत जगह देखा जाता है जब किसी का अपहरण होता है तो बंदूक की नोक पर होता है। किसी को थ्रेट में डालकर अपहरण कर लेना, मतलब मैं तुझे जान से मार दूंगा अगर तू गाड़ी में नहीं बैठेगा, तब अपहरण हो जाता है। या फिर किसी एक छोटे बच्चे को बहला फुसला करके, चल मैं तेरे को कुछ चीज दिलाऊंगा, लॉलीपॉप दिलवाऊंगा, कुछ खाने की चीज दिलवाऊंगा, उसे गोद में ले लेना और उस बच्चे को कहीं ले जाना, या बहला फुसला कर किसी को कहीं भेज देना और बाद में उसे कैद कर लेना। ऐसी अलग अलग घटनाएं सामने आती हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो अपने पास जो किडनैपिंग की जो धाराएं हैं या फिर व्यापहरण की हम बात करें तो 359 से लेकर ये 374 के बीच में आपको सब मिल जाएगा, जिसमें प्रोविजंस और पनिशमेंट्स के प्रावधान हैं। मैं आज आपको बताऊंगा अपनी इस वीडियो के माध्यम से कि किडनैपिंग में क्या सजा का प्रावधान है, किडनैपिंग होती है तो सेक्शंस क्या लगते हैं और कहां इसकी डेफिनेशन दी गई है, और भी कई सारी बातें जैसे कि एबडक्शन और साथ ही किडनैपिंग में डिफरेंस क्या होता है। ज्यादा कुछ जानने के लिए अपहरण के बारे में दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं फिर एक बार आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फाइट फॉर ट्रू। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आपके लेकर आते हैं और आपको बनाते हैं कानूनी जानकार। दोस्तों, अपहरण जब भी किसी का होता है, अपहरण वैसे देखा जाए तो किसी भी व्यक्ति से आप अगर पूछते हो तो अपहरण, किडनैपिंग, एबडक्शन सब उनके लिए एक ही है। पर अगर आप वकील साहब हो, नए लॉ स्टूडेंट हो या नए अभी वकील साहब बने हो, तो आपको पता होना चाहिए डिफरेंस दोनों में क्या होता है, एबडक्शन क्या होता है और किडनैपिंग क्या होता है। जैसा मैंने आपको बताया, ये सभी जो प्रोविजंस और जो पनिशमेंट्स हैं 359 से लेकर 374 के बीच में सब चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। पर यहाँ पर बात ये आती है किडनैपिंग क्या है। किडनैपिंग दोस्तों आप कुछ इस तरह समझ सकते हो, किसी भी बच्चे को बहला फुसला कर कोई आदमी ले गया और वह दो चार दिन वहाँ पे रखा, बाद में उसके पैसे मांगने लगा उसके फादर से कि भैया आप मुझे इतना पैसा दोगे तो ही मैं आपके बच्चे को वापस करूंगा, या फिर वो किसी भी मंशा से उस बच्चे को साथ में ले गया बट वो बिना परमिशन के, बिना पेरेंट्स की परमिशन के उस बच्चे को लेकर गया है, तो यहाँ पर उसको बोलोगे आप किडनैपिंग। बट एबडक्शन में ऐसा नहीं होता। एबडक्शन का मतलब सीधा सीधा अपहरण। अपहरण का मतलब किसी भी व्यक्ति को बंदूक की नोक पर गाड़ी में बिठा लिया और उसको ले गए, या फिर किसी भी व्यक्ति को गन दिखाई और बोला मैं तो गोली मार दूंगा अगर तू गाड़ी में नहीं बैठेगा, और उसको वहां से एबडक्ट करके ले गए। मतलब कि किसी भी व्यक्ति को भय में डालकर, किसी को भी उसकी मृत्यु का मतलब भय दिखाकर किसी को जब ले जाना, तो ये होता है एबडक्शन। और अगर किसी भी बच्चे को बहला फुसला कर ले गए तो यहाँ बोल सकते हो किडनैपिंग, जिसको आप हिंदी में व्यपहरण बोल सकते हो। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, ताकि इसी तरह की लाइक से हमें मोटिवेशन मिल सके और प्रोत्साहन मिल सके इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंचाने के लिए। और आप अगर पहली बार आए हैं हमारे इस चैनल पर, पहली बार देख रहे हैं हमारे इस वीडियो को, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। अब बात ये आती है कि एबडक्शन की डेफिनेशन आप कहां देखने को मिलती है। आप देखोगे 362 में। 362 में सजा का प्रावधान नहीं है, एबडक्शन के बारे में बताया गया है, और पनिशमेंट ऑफ किडनैपिंग को 363 में बताया गया है, जिसमें लगभग आपको 7 साल तक की सजा आपको हो सकती है। अब बात ये आती है कि 365 जो अक्सर आप देखते हो लोगों पे लगती है, 365 क्या कहता है दोस्तों? 365 किडनैपिंग और एबडक्टिंग विथ इंटेंट सेक्रेटली एंड रॉन्गफुली टू कन्फाइन अ पर्सन, मतलब किसी भी व्यक्ति को एबडक्ट कर लेना या किडनैप कर लेना, मतलब किसी को किडनैप कर लिया, किसी बच्चे को ले गए, या किसी को एबडक्ट कर लिया, किसी को बंदूक की नोक पर, चाकू की नोक पर किसी तरह से उसको ले गए, सीक्रेटली ले गए और गलत तरीके से उसको ले गए हैं, और साथ में ही बच्चा हो या कोई भी व्यक्ति हो, उसे कन्फाइन कर लिया, मतलब कि उसे बंद कर दिया, मतलब वो बाहर नहीं निकल सकता, बात नहीं कर सकता, ऐसे सब हालातों में जो सजा आती है, फरौती भी उसके अंदर मांग लेते हैं, ऐसे में 365 की एंट्री होती है।
365 का मामला ये बोलता है कि कोई भी ऐसा अपराध अगर होगा तो उसमें 7 साल तक की सजा मिलेगी या फिर उसमें फाइन भी लग सकता है। अब सवाल ये आता है कि सर हमने तो जो डेफिनेशंस देखी हैं या फिर हमने जो सेक्शंस देखी हैं, हमने तो 363A भी देखा है, आपने 363 के बारे में जाना होगा कि किडनैपिंग कर लेते हैं कोई किसी की, अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग धाराओं में अलग अलग तरीके से बताया गया है। पॉक्सो एक्ट में भी अगर आप देखते हो जब सेक्शन 6 लगता है किसी पर तो वहाँ पर भी ये किडनैपिंग का वर्ड सामने आता है, किडनैप कर लेना, किसी का अपहरण कर लेना। या आपने बहुत बार देखा होगा किसी भी व्यक्ति को कहीं भेज दिया, नौकरी का झांसा देकर वहाँ पे कैद कर लिया, ऐसे में भी किडनैपिंग लग जाती है। दोस्तों किडनैपिंग बहुत तरह से लगाई जा सकती है, एबडक्शन बहुत तरह से हो सकता है, बट वैसे मूल तरीके से जब भी किसी की किडनैपिंग एबडक्शन होता है तो 365 सेक्शन को ही आप देखते हैं जिसमें कि 7 साल तक की सजा होती है और इसमें फाइन भी हो सकता है। कोई भी किसी तरह के सवाल आपके दिल में अगर है किडनैपिंग एबडक्शन को लेकर, आप सवाल जरूर पूछें, कमेंट बॉक्स में अपने सवालों को पूछें। आपका कोई केस है, किसी भी केस पर आप सलाह चाहते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हम आपको उसका रिप्लाई जरूर देंगे। हो सकता है कि हमारी सलाह से आपके केस का सोल्यूशन आपको मिल जाए और उस केस से आप आसानी से निकल जाएं। अच्छा लगा दोस्तों आज का वीडियो, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों परिजन परिवार में शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को कानूनी जानकार बना सकें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस हम आपके लेकर आ सकें सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।